आई एवरी वन आई एम परिधि श्रीवास्तव एंड यू आर वॉचिंग लॉ प्रशरी सो ऑल नो कि यू जी सी नेट लॉ का जो एग्जामिनेशन है फेज टू वाला उसकी वैकेंसी एंड नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है सो so, अब हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है इस एग्जामिनेशन के लिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं अब हम आज की वीडियो में वो सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं नाउसी वेन वी टॉक अबाउट यू जी सी नेट लॉ तो पहले हम उसका थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या है एग्जाम का एंड देन हम किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम यू जी सी नेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक बट अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है एंड आपने एफिशियटली उसके लिए पढ़ाई की है स्मार्टली पढ़ाई की है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं So, देखिये uh, क्योंकि यू जी सी नेट लॉ का एग्जामिनेशन है आई नो कि uh, जो लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो हमको पहले से थोड़ा सा आइडिया उनका होता है एंड उसको कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसका हमको आइडिया होता है बट जो पेपर वन का सिलेबस है वो हमको थोड़ा सा परेशान करता है Believe me guys, जब result आता है 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 तो जो जो होता होता ना वो paper number one ही होता है. है, वो ही क्योंकि के होते होते हैं हैं सबको पता मेजॉरिटी केसेस में जो लॉ के आंसर्स होते हैं वो सबके सही होते हैं बट जो पेपर वन में अच्छा परफॉर्म करता है वो स्टूडेंट होता है जो सिलेक्ट होता है यू नेट में सो so बेसिकली हम आज पेपर वन के लिए पढ़ेंगे कि हम हमें कौन सी कौन सी यूनिट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बेसिकली यूनिट्स कौन कौन सी सी हैं एंड यूनिट्स में से कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको इंपॉर्टेंट है और किसको कितना हमको टाइम दे पढ़ना है देखिए सबसे पहले पेपर वन में आ, जो आ, पेपर वन होता है वो बेसिकली टीचिंग एंड रिसर्च एबिलिटी के आ, के लिए होता है एंड जो पेपर नंबर टू है वो जो भी हमने चोजन सब्जेक्ट है सो क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द द सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय कैंडिडेट तो जो भी आपका फॉर एग्जाम्पल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो जो पेपर नंबर वन इज ऑफ हंड्रेड मार्क्स एंड पेपर नंबर टू इज ऑफ टू हंड्रेड मार्क्स टोटल ऑफ वर्ट वी गेट वन फिफ्टी क्वेश्चन प्लस हंड्रेड नाउ

देखिए यू जी नेट अगर आपको करना है तो प्रीवियस प्रीवियस या पेपर्स आपको कवर करने ही हैं सबसे पहली जो बुक आपको रीड करनी चाहिए दैट इज़ योर प्रीवियस पेपर्स क्योंकि उसके थ्रू आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आएगा तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर यू जी नेट तो मेक श्योर कि आपके पास कोई भी एक बुक प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स की है क्योंकि उन क्वेश्चन पेपर्स को ही सॉल्व करके आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं So, PYQs आपको ऑलमोस्ट सारे ही सॉल्व करने हैं व्हेन इट कम्स टू यूजीसी नेट कोशिश करिए कि अगर आपके लास्ट के टेन पेपर सॉल्व हो रहे हैं या फिर क्लोज टू अगर आप लाइक मिनिमम आई थिंक ट्वेंटी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो डेट वुड बी सफिशियंट एंड सबसे इम्पोर्टेंट जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट में तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही होते हैं बिकॉज इस एग्जामिनेशन में काफी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर वन में भी और पेपर टू में भी इसलिए आपके प्रीवियस क्वेश्चन है आप बैराक सेंट्रिक होकर पढ़ें जितनी भी यूनिट्स है हम उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन है क्रिमिनल लॉ है कॉमर्शियल लॉ है पर्सनल लॉज हैं तो उनके लिए आप बैराक स्पेसिफिक होकर चल सकते हैं

उसमें मैंने स्पेसिफाइड कर रखा है कि आपको कहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है हम उसमें डिस्कस कर लेंगे बट uh, अगर मैं आपको uh, एक कंक्लूजन बताऊं तो आप पेपर नंबर वन के लिए करंट अफेयर्स पढ़िए सेकेंडली आप कोई भी एक को बुक उठा लीजिए uh, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं एंड आप वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए अदर देन दैट जब आपके पी हो जाए एंड जब आप करंट अफेयर्स पढ़ लो मतलब डेली पढ़ते जाओगे उसके बाद आप उसके कोई सैंपल पेपर्स लगा सकते हैं या फिर अलग से uh,

अब बहुत सारी टॉपिक्स दिए गए हैं टेन यूनिट्स और उसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत अच्छे से कवर करने हैं कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि मीडियम है अगर आप करो तो वेल एंड गुड नहीं करो तो ठीक है एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर हम छोड़ के जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड पहले लाइक क्लोज टू फोर फाइव इयर्स बैक इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते थे टीचिंग एप्टीट्यूड से बट अभी रीसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है कि पिछले दो तीन साल से टीचिंग एप्टीट्यूड से थोड़े से क्वेश्चंस कम हो गए हैं बट वी नेवर नो बिकॉज यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है वो कभी भी अपने टीचिंग एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं से लेस कर सकते हैं एनवायरमेंट से ज्यादा करके यू नो टीचिंग एप्टीट्यूड से कम कर सकते हैं सो यूनिट वन में वी हैव रेक्टरिस्टिकटेंट है आपको अच्छे से करके जाना है एडोलिकोशल इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं बट आपको बेसिक बेसिक आइडिया लर्नर करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इनके बारे में होना चाहिए मटेरियल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ ये बहुत टफ़ नहीं है अगर आप इसको पढ़ोगे बहुत इजी सी चीज़ें हैं तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इन वन ट्रीनिंग आपको ये समझ आ जाएगा देन मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन यूनिट नंबर वन ठीक है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्वयं क्या होता है स्वयं प्रभा क्या होता है एम ओ ओ सी मुक्स क्या होते हैं इसके क्वेश्चंस बार बार देखे गए हैं हर साल आते हैं सो यूनिट नंबर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड में ये आपका बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए देन ट्रेडिशनल मॉडर्न ऑन आई सी बेस्ड थोड़ी सी नॉलेज आप रख लोगे इट वुड बी सफिशिएंट एंड इसमें एवैल्युशन सिस्टम्स एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवेलुएशन इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंडी पढ़ने की जरूरत नहीं है बट मेक श्योर कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने ये वाला पोर्शन अच्छे से करके रखा हुआ है एंड ये बेसिक्स अच्छे से करके रखे हुए हैं अच्छा कहाँ से पढ़ना है ये तो इसके लिए आप अगर आप ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आप गूगल पे डालोगे तो आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा अगर आपको स्पेसिफिकली बुक से ही पढ़ना है तो फिर आप कोई बुक ले सकते हो और आप उससे भी पढ़ सकते हो देन यूनिट नंबर टू इज रिसर्च एप्टीट्यूड रिसर्च में मीनिंग टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच बहुत ईजी है

सेवन स्टेप्स ऑफ रिसर्च होते हैं सारे पता होने चाहिए आपको थीसीज एंड आर्टिकल राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनका फॉर्मेट एंड स्टाइल एक बार आप देख के जाओगे काम चल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ आई इन रिसर्च आई बेसिकली कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ एक बार आप देख लोगे इट वुड बी फॉर यू इन रिसर्च एथिक्स मूविंग टू वर्ड यूरोट नंबर थ्री कॉम्प्रीहेंशन नाउ सी कॉम्प्रीहशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे अगर इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो बहुत ईजिली विदाउट एनी प्रैक्टिस इंग्लिश अच्छी नहीं है अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा पैसेजेस पर्सनली इफ आई टेल यू यू जी सी नेट के बहुत टफ पैसेजेस नहीं आते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है जो भी पैसेज आता है उसका आंसर उसी पैसेज में दिया होता है और बहुत क्लियरली दिया होता है जो ऑप्शंस होते हैं अगर आप वो पढ़ोगे तो ए बी सी एंड डी अगर चार ऑप्शन दिए गए हैं तो जो भी ऑप्शन जो, तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है और जो भी ऑप्शन एज इट इज वो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है इन पैराग्राफ आपको वो टिक करना है एंड नाइन्टी नाइन परसेंट टाइम वही आंसर होता है सो कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट वेरी टफ इन यू जी सी नेट थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा इफ यू थिंक आपका कॉम्प्रीहेंशन ऑलरेडी अच्छा है देन आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है आप आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस कॉम्प्रीहेंसिव पैसेजेस देन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में दीनिंग टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज इम्पॉर्टेंट ईजी बट इम्पॉर्टेंट देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन क्लास रूम ये सब बहुत ईजी है आप एक बार रीड करोगे आपको सब समझ आ जाएगा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेक श्योर यूनिट नंबर फोर में आप कुछ और uh, करो ना करो बट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ के जाओ वाई बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड हर साल आते हैं

लेवल होते हैं नंबर सीरीज लेटर सीरीज की बहुत टफ नहीं होता है नंबर सीरीज सीरीज लेटर होती है कुछ क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट डाले जाते हैं सो दैट यू नो क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा हो बट आप नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी मैथ्स है थोड़ी सी भी तो आप कर पाओगे कोर्ड एंड रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है फ्रैक्शन टाइम डिस्टेंस रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट डिस्काउंट एवरेज ऑल ऑफ अस नो ये तो सारे प्रैक्टिस से ही होते हैं तो इफ़ यू हैव टाइम लाइक अभी हमारे पास चार महीने हैं सो so हम uh, मैथ्स का अगर एक भी यूनिट हम वीक में लेके चलें तो आप उसके कुछ क्वेश्चन याद रखिए एंड उससे आई थिंक ईजी ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर रेशियो प्रपोर्शन है इंटरेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस है तो जो भी इंपॉर्टेंट उसके जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वो आप एक पेज में लिख के रखें एंड उनके उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड आई वुडेंट रिकमेंड यू कि आप इसको कम्प्लीटली छोड़ के जाओ बट हाँ आप अगर इफ यू यू हैव टाइम शुड एक्चुअली प्रैक्टिस फ्यू दिस एंड एंड ट्राई करिए कि नंबर सीरीज़ लेटर सीरीज के आंसर्स तो हमारे करेक्ट हो ही जाएं। एक बार भले हम प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग नहीं अच्छे से कर पाते हैं, But आते हैं हमेशा आते हैं एंड वो हमें सही करने लॉजिकल रीजनिंग uh, में uh, जो बेसिक uh, क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं सो वी हैव फॉर्मल एंड फॉर्मल फैलिसज यहाँ पे फैलिस बहुत इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ लैंग्वेज कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन ऑफ टर्म क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इवेलएटिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग ठीक है सो बेसिकली इसमें मैं मार्क कर देती हूँ वेन डाइग्राम्स इंपॉर्टेंट होंगे फैलासीज सबसे इंपॉर्टेंट है ओके एंड इंडियन लॉजिक लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको कोई चीज़ कवर करनी है इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका इंडियन लॉजिक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन डाइग्राम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फलासीज ये सारी आपको आनी चाहिए फिलासीज आप पढ़ लीजिए क्या होती हैं अगर आप एक बार समझ लोगे गे ईजी हो जाएगा एंड देन आप उसको रिवाइज करो बहुत डिफिकल्ट नहीं है सो मेक श्योर कि फैलासीज के क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो क्योंकि ईजी होता है तो हम यहाँ पे मार्क्स नहीं छोड़ सकते इंडियन लॉजिक में थोड़ा सा डिफरेंट टाइम लगेगा प्रॉब्लम भी आ सकती है, बट अगर आप उसको रिवाइज करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। certain, uh, के, वन ऑफ uh, आप इसको कवर करोगे, ये हो जाएगा। आई विल यू कि आप किसी यू नो, वीडियो के थ्रू इसको डेटा इंटरप्रिटेशन अब वैसे तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज ईजी वेरी इजी बट द थिंग इज कि कभी कभी जो मैथमेटिक्स होती है डेटा इंटरप्रिटेशन में वो टफ हो जाती है ओके चार्ट्स बारग्राफ्स होते हैं कैलकुलेट करना होता है मीन मीडियम मोड कैलकुलेट करना होता है थोड़ा वहाँ टाइम बहुत लग जाता है अगर क्वेश्चन ईजी है तो वो फॉर श्योर क्वेश्चन ऐसा होगा कि टाइम बहुत लगेगा आपका एग्जाम में तो आई वुड रिकमेंड यू डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सबसे आखिरी में करना है क्योंकि ईजी होता है आई अंडरस्टैंड बट टाइम कंज्यूमिंग होता है तो अगर इनकेस आपका कोई भी डिजिट गड़बड़ हुआ तो उस डिजिट के उस कैलकुलेशन के कारण आपका वो पूरा क्वेश्चन गलत होगा एंड टाइम बहुत चला जाएगा सो डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बार बायोग्राफ हिस्टोग्राम चार्ट ऑल दीज आर देयर देन डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा एंड गवर्नेंस तो ये सारी ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है देन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसी टी आईसीटी के अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं बट हमको पढ़ के रखना चाहिए क्योंकि आजकल चल रहा है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं यू जी सी नेट आपकी जनरल नॉलेज बहुत चेक करती है और जितनी भी हम यूनिट्स कवर कर रहे हैं ना उन सब से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल स्वयं स्वयं प्रभा मोक्स हैं या फिर रिसर्च uh, से रिलेटेड कुछ नया आया है या फिर कोई कॉम्प्रिहेंस कॉम्प्रशन से तो बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं कम्युनिकेशन मैथ uh, से भी नहीं होगा लॉजिकल रीजनिंग ओके सो कोई भी चीज़ है जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में न्यू डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं वो जरूर कवर करें क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यू के लिए देन इसमें जनरल एब्रीवेशन आपको ये कुछ कंप्यूटर के एब्रीवेशन होते हैं आपको ऑलरेडी कवर्ड हो गए टर्मिनोलॉजीज बेसिस ऑफ इंटरनेट बेसिक्स इंटरनेट ई ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है जैसे कि जी का फुल फॉर्म क्या होता है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो चार्ट जी का फुल फॉर्म क्या होता है चार्ट जी कौन लेकर आया है क्या पर्पस है ठीक है ये कुछ बेसिक सी आईसीटी के क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंट चल रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स को लिंक करेंगे आई से एंड अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे देन डिजिटल इनिशिएटिव्स जो भी हायर एजुकेशन में आते जा रहे हैं जो भी चेंजेस आते जा रहे हैं अगर यूजीसी के थ्रू कोई नया नोटिफिकेशन लाया जा रहा है तो वो नोटिफिकेशन क्या है उसमें क्या कुछ नया है तो आपको ये सारी चीजें आईसीटी में कवर करनी है तो बेसिकली आईसीटी जो होता है ना वो पूरा करंट अफेयर से चलता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हो रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव आ रहा है या फिर एजुकेशन में कोई यू नो you know, नया तरीका आ रहा है जिसके थ्रू टीचर्स बहुत बेटर वे में पढ़ा सकते हैं तो ये सारी चीजें आपको

ऑल टोटल सारे याद होनी चाहिए कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड एंड ये क्यों आए थे कब आए थे कैसे आए थे कितने अचीव हो रहे हैं कितने अचीव नहीं हो रहे हैं ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड द इम्पैक्ट इन्वायरमेंट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है

सोलार प्लांट विंड फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का जैसे हम बोले कि बहुत बड़ा एक प्लांट ओपन हुआ है ग्लोबली uh, इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई सोलार पावर प्लांट है या फिर विंड है या सोइल ये सारी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए ओके नेचुरल हज़ार एंड डिजास्टर अगर कहीं पे कोई नेचुरल हज़ार हुआ है डिज़ास्टर हुआ है हमारी कंट्री में उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स इसके उसको भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है बट थोड़ी बहुत फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है ठीक है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एफर्ट्स मॉट्रल प्रोटोकॉल सो इन दिस यूनिट नंबर नाइन जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज अव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड डीज इंटरनेशनल एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिक्लेरेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्योटो प्रोटोकॉल पैरिस एग्रीमेंट इन सब के बारे में आप पढ़ के जाओगे जितने भी कन्वेंशन हैं मीटिंग्स हैं समिट्स हैं रिलेटेड टू इन्वॉर्मेंट स्पेसिफिकली जब हम मॉन्ट्रियल uh, के बारे में बात करते हैं और क्योटो प्रोटोकॉल क्योंकि लेटेस्ट है इसलिए ठीक है पैरिस एग्रीमेंट इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या था किस बारे में था और कब हुआ बस इतना एंड ये कहाँ हुआ था आप ये भी देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी इंडिया में जी हो रही है तो कहाँ कहाँ हो चुकी है कहाँ अभी uh, होने वाली है या फिर मास्कट uh, क्या है कौन हेड कर रहा है ये बेसिक सी चीजें यू शुड नो अबाउट ज लास्ट यूनिट इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इंडिया बहुत इजी सा है एक बार में आप रीड करोगे हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ओरिएटल इसमेंटेंट है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इंडिया प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन एंड एनवाइ एजुकेशन पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो बेसिकली जब हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं अमेंडमेंट्स आ रहे हैं मॉडिफिकेशन आ रहे हैं जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आपको उनके बारे में ध्यान रखना है और पहले किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम चलता था टाइम्स में इंडिया में क्या टाइप का एजुकेशन सिस्टम था दैट इज़ इम्पोर्टेंट आपको याद होना चाहिए हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है देन पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन सबसे रिलेटेड टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है ये बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में पहले किस तरीके से एजुकेशन दी जाती थी एंड अब किस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है सो या सो ये है हमारी पेपर वन की टेन यूनिट्स हमने सारे यूनिट्स में डिस्कस करा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और किसको कितना और कैसे पढ़ना है सो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे एंड uh, पेपर वन इज़ एक्चुअली अ डिसाइडिंग फैक्टर तो मेक श्योर आप पेपर वन के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखें और अच्छे से प्रिपेयर करके रखें सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू